उससे मगर लेबर के जो एक सर्वे काम हुआ आपके सामने टोटल वो जो दूसरे मरल में 40 वो पड़े हैं, कोई वोट इस तरफ नहीं हुआ। दो उम्मीदवार दूसरे मरहले में 12 वोट पड़े, मुफ्ती अब्दुल रऊफ साहब को 27 वोट पड़े। इस तरह से मुफ्ती अब्दुल रऊफ साहब जो है वो 2021 तक 2025 जो 4 साल दौरानिया है उसके लिए सेंट्रल जनरल काउंसिल की वोटिंग के नतीजे में सेंट्रल प्रेसिडेंट यूनाइटेड पाकिस्तान करार पाए। नोटिफिकेशन नंबर है 2021-25, तारीख है 3/1/2021। नोटिफिकेशन यूनाइटेड पाकिस्तान के सेंट्रल प्रेसिडेंट के इंतखाबात बराए दौरानिया 3 जनवरी 2021 ता 2 जनवरी 2025 सेंट्रल सेक्रेटरिएट यूनाइटेड पाकिस्तान बालमकाम रावलपिंडी मुनाकिद हुए। इंतखाबात तयशुदा जाब्ते के तहत तमाम सर अंजाम पाए। इंतखाबात में मुफ्ती अब्दुल रऊफ साहब को 39 में से 27 वोट पड़े। यूं इंतखाबी नतायज के मुताबिक मुफ्ती अब्दुल रऊफ साहब 39 में से 27 वोट लेकर कामयाब करार पाए। लिहाजा मुफ्ती अब्दुल रऊफ साहब बराए दौरानिया 3 जनवरी 2021 ता 2 जनवरी 2025 तक के लिए यूनाइटेड पाकिस्तान के सेंट्रल प्रेसिडेंट हैं। इसमें मेरे साइन हैं और मेरे 3 मेंबरान के साइन हैं। मैं अब मुफ्ती साहब से गुजारिश करूँगा कि वो हेल्प जो है वो अपने इस पौधे का मैं अब्दुल रऊफ मोहम्मद हनीफ हल्फिया इकरार करता हूँ कि मैं यूनाइटेड पाकिस्तान के नस्बुलैन से मुत्तफिक हूँ। मैं अदमे तशद्दुद के उसूल पर अवामी इनकलाब के जरिए वलीउल्लाही फलसफा व फिक्र के मुताबिक निज़ाम अदल के गलबे की इखलास नीयत के साथ जिद्दोजहद करूँगा। मैं यूनाइटेड पाकिस्तान के दस्तूर पॉलिसी और प्रोग्राम से मुकम्मल तौर पर मुत्तफिक हूँ। मैं यूनाइटेड पाकिस्तान के दस्तूर पॉलिसी और प्रोग्राम की पूरी दयानतदारी से पाबंदी करूँगा। मैं यूनाइटेड पाकिस्तान की तरफ से आए दस्तूरी जिम्मेदारियों को पूरी दयानतदारी से अदा करूँगा। मैं यूनाइटेड पाकिस्तान के बालाई नज़्म की हिदायत पर सिद्क़-ए-दिल से अमल करूँगा। मेरी ज़िंदगी का अव्वलीन मकसद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुशनुदी के पेश नज़र
मज़लूम इंसानियत से जुल्म के खात्मे के लिए इंपीरियलिज्म यानी इस्तेमारियत साम्राज्यियत और कैपिटलिज्म के खिलाफ अदमे तशद्दुद के उसूल पर अवामी इनकलाब बरपा करने की जिद्दोजहद करना होगा अल्लाह ताला मुझे इखलास व इस्तेकामत के साथ तारीख की इनाम याफ्ता जमातों के उस्वा से अख़्ज़ करदा रहनुमाई में वलीउल्लाह फलसफा व फिक्र के मुताबिक निज़ामे अदल के गलबे की जिद्दोजहद और इंसानियत की खिदमत की तौफीक अता फरमाए आमीन आमीन। मैं आप तमाम हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ और अपनी जो टीम थी जो मुआवनीन थे इलेक्शन कमीशन की अफजल खान साहब साहब रहमान साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, आप तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ। और पार्टी ने सेंट्रल जनरल काउंसिल ने अपनी खुफिया राय दे के जरिए से अपना अगले चार साल के लिए मुफ्ती अब्दुल रब साहब को सेंट्रल प्रेसिडेंट चुना है। मैं अपने तमाम मेंबरान का शुक्रिया अदा करता हूँ और अपने मुफ्ती साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो अपने अगले लाजम के हवाले से चार साल जो दौर है उनका उसमें क्या बयान रखते हैं और इसी तरह से बाकी जो भी चीज़ें हैं वो ये यहाँ आराम करते हैं। अच्छा, इसमें कुछ देर के लिए वक्फा करते हैं, मुशावरत करनी है टीम के हवाले से, फिर आखिरी सेशन करते हैं जिसमें जो खालिद साहब ने बात की है।